हेलो फ्रेंड्स, कुक विद अंजू में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले इडली, डोसा, उत्तप्पा, अप्पे, इसके लिए साउथ इंडियन स्टाइल में चटनी कैसे बनाई जाती है ये देखेंगे। और घर पे अगर नारियल ना हो तो उस समय पे भी हम इस तरह की चटनी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हो और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 कप या 1.5 कटोरी हमने यहाँ पे मूंगफली ली है। मूंगफली को सबसे पहले तो अच्छे से साफ करके लीजिए, फिर उसके बाद उसे कढ़ाई में डाल के हमें उसे भून लेना है। जब तक ये सुनहरा गोल्डन ब्राउन कलर का मूंगफली नहीं भूनता है तब तक हमें इसे इसी तरह से चलाते जाना है। और कम से कम 5 या 6 मिनट हमें लग सकते हैं इतनी मूंगफली रोस्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मूँगफली को हमने इस तरह से रोस्ट करना शुरू कर दिया है। मूंगफली एक बार इस तरह से रोस्ट हो जाए, आप देख सकते हो इस मूंगफली पे चित्तियाँ आ चुकी है, मतलब इस पे इस तरह के ब्लैक स्पॉट आने चाहिए ताकि हम समझ लेंगे जो मूंगफली है बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। मूंगफली को हमने कम से कम 10 या 15 मिनट रूम टेम्परेचर पर आने तक इसी तरह से छोड़ दिया था। उसके बाद हमने एक मिक्सर के जार में मूंगफली निकाल ली है। यहाँ पे हमने 2-3 हरी मिर्ची के टुकड़े कट करके लिए है और थोड़ी सी धनिया पत्ती, साथ ही नमक स्वाद के अनुसार। और यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच दही, ये फ्रेश दही है। और इसी तरह से 1 चम्मच हमने जीरा डाल दिया है और 1/2 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे चीनी डाल दी है। ये टेस्ट के अनुसार है, अगर आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। इसमें पानी डाल के इस तरह से हमें मिक्सी पे यह चटनी इस तरह से पीस लेनी है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया आ चुकी है। अगर आपको इससे भी पतली चटनी अच्छी लगती है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और चटनी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कीजिए। इस तरह से अब हम उसे एक बोल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और चटनी की कंसिस्टेंसी परफेक्ट बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है और इस तरह से फटाफट घर पे नारियल ना होने के बाद भी आप इस तरह की चटनी बना के इडली, डोसा, अप्पे के साथ खा सकते हैं। और ये फ्रीज में कम से कम 2-3 दिन तक चलती है। अब तड़के के लिए तेल गरम कर दिया है। 1 चम्मच हमने इसमें जीरा, 1 चम्मच राई डाल देंगे और इसी में डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, 1/2 छोटा चम्मच हमने हींग डाल दिया है और 1 सूखी लाल मिर्च हमने इसमें डाल दी है। अब ये तड़का गर्मा गर्म चटनी पे इस तरह से डाल देंगे और चम्मच से चलाते हुए चटनी में ये तड़का मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितनी इजी रेसिपी है। तो फटाफट आप भी घर पे इस तरह की चटनी बनाइए और चटनी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस तरह से हमारी जो चटनी है तैयार हो चुकी है, बहुत ही आसान है। अगर आपको चटनी 2-3 दिन तक खाना है तो तड़का मत दीजिए, इसी तरह से चटनी फ्रिज में रख के खा सकते हैं और जब खाने का है उस पर तड़का देके आप खा सकते हो। तो देख लिया ना कितनी आसान चटनी है। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।